तो नमस्कार प्रणाम। आपका अपना YouTube चैनल संस्कार कोचिंग में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। प्लांट मॉर्फोलॉजी के तहत हम लोग पढ़ रहे थे जड़। जड़ हम लोग पूरा कर दिए दो वीडियो में। ये अगला वीडियो है तना का, यानी प्लांट स्टेम, यानी पादप तना का। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं। तो तना भी होता है ना, किसका भाग होता है? पौधों का। तो हम लोग पौधों का भाग में हम लोग देख रहे थे, थोड़ा सा फिर से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि पौधों का जो दो भाग होता है ना, वो इस तरह से पहले बांटते हैं। वानस्पतिक भाग, जिसको हम लोग ना वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। दूसरा हम लोग जो लिखते हैं ना, वो होता है ना प्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है? प्रोडक्टिव पार्ट, यानी प्रजनन भाग, यानी जनन भाग, जो प्रजनन का काम करता है। तो वेजिटेटिव वानस्पतिक भाग में क्या था? आपका जड़ था, तना था, और क्या पहले वीडियो मैंने बताया है, पत्ती। तीसरा जो है वो दूसरा भाग, सॉरी, फूल है, और क्या है? फल है। ये प्रजनन का काम करता है। तो अगर हम लोग प्लांट स्टेम यानी तना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि तना जो है ना, वो पौधों का कौन सा भाग है? वनस्पतिक भाग है या फिर प्रजनन भाग, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव भाग है, प्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव भाग है? तो कौन सा आप बताओगे ना? ये वेजिटेटिव पार्ट है, यानी तना जो है वो वानस्पतिक भाग। वानस्पतिक में जड़, तना और पत्ती आते हैं। तो चलिए ये वाली क्लियर होती है। दूसरी पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं ना कि पौधों के भाग में कि कुछ भाग जमीन के नीचे, कुछ भाग जमीन के ऊपर होता है। तो उस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे वाला ना। तो चलते हैं भूमि के नीचे, और दूसरा पार्ट में क्या होता है, दूसरा तरह से भूमि के ऊपर। जड़ के बारे में तो आप लोग समझते हैं, ये हो कितने लोग रोज पेड़वा के नीचे बैठ करके इंतजार करते हो, ठीक है ना। ये भूमि के नीचे जो है ना, ये भूमि के नीचे हम लोग देखते हैं क्या होता है। भूमि के नीचे कौन सा होता है? जड़, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जड़ होता है, जो कि कौन सा? आप्रारोह तंत्र का निर्माण करता है। आप्रारोह या फिर क्या, अवरोह तंत्र का। आप्रारोह या अवरोह तंत्र का। और इसमें क्या होता है ना, भूमि के जो ऊपर होता है वो कौन सा होता है? तना होता है, पत्ती होता है, फल होता है, और क्या होता है? फूल होता है। तना, पत्ती, फल और क्या होता है? फूल होता है। तना, पत्ती, फल और फूल होता है। ये क्या बनाता है? प्ररोह तंत्र, यानी ऊपर वाला प्ररोह तंत्र बनाता है। कौन सा तंत्र बनाता है? प्ररोह तंत्र या आरोह तंत्र। प्ररोह तंत्र या आरोह तंत्र का निर्माण करता है। अब बताए थे कि जो भूमि के ऊपर वाला प्ररोह या आरोह तंत्र होता है ना, इसको बोला जाता है ना सूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोला जाता है? सूट सिस्टम। कौन सा? सॉरी, सूट सिस्टम। और ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं अपना रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम इसको बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं। तो आपसे चलिए यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहा है कि जड़ में तो पहले ही पढ़िए लिखे, जड़ के बातें छोड़ो, तो कहानियां खत्म करो। अब यहाँ आते हैं तना वाला में। तना जो है भूमि के क्या होता है? ऊपर होता है। कौन सा तंत्र का निर्माण करता है? अगर आपसे पूछा जाए कि तना किस तंत्र का निर्माण करता है, अगर तंत्र बनाने की बात आती है, तो कौन सा तंत्र? प्ररोह तंत्र या आरोह तंत्र? प्ररोह और आरोह दोनों तो एक ही बात हुआ ना। पापा कहो, बाजी कहो, डैडी कहो, फादर कहो, अब्बा कहो, ठीक है ना, प्ररोह आरोह तंत्र एक ही है। अब पूछा जाए कि किस सिस्टम में आएगा ये, रूट सिस्टम में या सूट सिस्टम में? तो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, तो ये कौन सा सिस्टम में आएगा? सूट सिस्टम में आएगा। कौन सा सिस्टम में? सूट सिस्टम में आता है। चलिए आपको यहाँ बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे ना कि ये जो तना होता है उसका निर्माण किससे होता है, मूलांकुर और परंकुर वाली बात हम लोग समझते हैं। तो पिछले वीडियो जड़ वाले हैं बताए थे कि जब हम लोग बीज को बोते हैं, क्या करते हैं? बीज को बो देते हैं, इस तरह से बीज को बो दिए। तो बो देते हैं जब बीज को हम लोग इस तरह से, तो बीज में से ना एक पार्ट क्या होता है ना, इस तरह से ऊपर की ओर ऐसे निकलता है एक पार्ट, और एक पार्ट जो होता है ना वो क्या होता है ना, वो नीचे की ओर इस तरह से निकलता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है आपका क्या कहलाता है? याद है जड़ में पढ़ाए हैं, जिसको बोला जाता है ना पल मूले। क्या बोलते हैं इसको? पल मूले बोलते हैं, यानी प्रांकुर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? प्रांकुर। दूसरा जो होता है ना रेडिकल होता है। क्या होता है? रेडिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मूलांकुर। यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना, चलिए पल मूले प्रांकुर, ये नीचे वाला क्या है? मूलांकुर है। तो अब देखो तना तो ऊपर की ओर जाएगा ना, भूमि से ऊपर, पहले ही पढ़े कि भूमि से ऊपर है, सूट सिस्टम में है। तो आपसे पूछा जाए कि बीज की किस भाग से तने का निर्माण होता है?
मूलांकुर से या प्रांकुर से, यानी रेडिकल से या पलमूले से, तो आप क्या बताओगे? पलमूले, यानी कि प्रांकुर से तना का निर्माण होता है। कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या नहीं होता। किस तंत्र का निर्माण करता है? प्ररोह या आरोह। किस सिस्टम में है? तो किस सिस्टम में होगा? सूट सिस्टम में आता है। किस सिस्टम में आ गया आपका? सूट सिस्टम में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं अनुवर्तन का। इसका किसका बात करेंगे? अनुवर्तन का बात करेंगे। अनुवर्तन का बताए थे कि गुरुत्वानुवर्तन होता है। अनुवर्तन का मतलब भी बताए थे कि जिस चीज के प्रति संवेदनशील होकर के वो वृद्धि कर रहा है ना, उसके उसका अनुवर्तन कहलाता है। अनुवर्तन दो तरह का, धनात्मक अनुवर्तन और ऋणात्मक अनुवर्तन। धनात्मक में बताया था कि जिस चीज की ओर अगर बढ़ रहा है तो धनात्मक, और जिस चीज की विपरीत ओर बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अब यहां से गुरुत्वानुवर्तन, वो अनुवर्तन का मतलब हुआ गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्व का मतलब पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के लिए देखा जाए तो तना क्या होता है? पहले अगर हम बात करें तना का गुरुत्वानुवर्तन में, कि तना जो होता है पृथ्वी के यानी भूमि के नीचे की ओर बढ़ता है या भूमि के ऊपर की ओर बढ़ता है? तब भूमि के ऊपर की ओर। गुरुत्व बल कहां भूमि का होता है? नीचे की ओर। तो गुरुत्व से ऊपर की ओर यानी विपरीत में बढ़ रहा है तो ये निगेटिव होता है। गुरुत्वानुवर्तन इसका क्या होता है? निगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन क्या हो जाएगा? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। अब दूसरी बात हम लोग करें अगर प्रकाशानुवर्तन का, प्रकाशानुवर्तन यानी प्रकाश के दिशा में देखा जाए तो प्रकाश तो भूमि से ऊपर होता है सूरज का। ऐसा तो ना है कि सूरज नीचे है भूमि के कि प्रकाश नीचे रहेगा। तब प्रकाश की ओर ऊपर की ओर ही बढ़ता है ना, तो ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसको हम लोग प्रकाश की ओर तो क्या बोलेंगे? हम लोग पॉजिटिव यानी धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। क्या हो जाएगा? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। चलिए, कई दफा एग्जाम्स में ये रेलवे का भी पूछा गया, एसएससी के एग्जाम्स में भी, कि जो तना होता है वो किस प्रकार का अनुवर्तन दिखाता है, धनात्मक अनुवर्तन या ऋणात्मक अनुवर्तन? तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाता है। अगर पूछा जाए गुरुत्वानुवर्तन तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन दिखाता है। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको ना अनुवर्तन पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। पिछली वीडियो जड़ में भी मैंने इसके बारे में बात की है। तो इस तरह से अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन निगेटिव होता है, प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। चलिए आगे हम लोग को पढ़ना क्या है ना कि इसकी विशेषता क्या होती है जड़ में। एक रेलवे में यह पूछा गया है कि अदरक जड़ नहीं है तना है क्यों? अदरक जड़ नहीं है तना है क्यों? तो पहली बात होता है ना कि जो तना होता है ना उसमें नोड एंड इंटर नोड्स होते हैं, यानी गांठ होते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए इसका विशेषता, क्या पूछा गया आपसे? विशेषता। तो इसमें नोड एवं इंटर नोड्स होते हैं। क्या होते हैं? नोड एवं इंटर नोड्स होते हैं। कहने का मतलब कि गांठ होते हैं। क्या होते हैं? इसमें गांठ होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं भूमि के नीचे ये जो है ना जड़ हो गया, ठीक है, ऊपर तना होता है। तो तना में जहां कहीं कहीं ऐसे गांठ होता है, यहीं से टहनियां निकलती हैं। क्या होती हैं? टहनियां निकलती हैं। ऐसे भी आप अदरक देखोगे ना तो गांठ रहता है, हल्दी देखोगे ना तो उसमें गांठ रहता है। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि विशेषता क्या होता है तना का, तो उसमें नोड एवं इंटर नोड्स पाए जाते हैं, अर्थात गांठ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था रेलवे में कि अदरक जो है एक प्रकार का जड़ नहीं है तना है क्यों, तो इसकी विशेषता ये है कि इसमें क्या पाई जाती है? गांठ पाई जाती है। तो इस तरह से ना हम लोग पढ़े इसकी विशेषता। एक और बात हम लोग पढ़ेंगे तना का, कि ये पूछा जाता है कि जो पेड़ की जो आयु होती है ना वो कैसे गिनते पता करते हैं हम लोग? पेड़ की आयु हम लोग ना वार्षिक बलयों को गिन करके पता करते हैं। तो वार्षिक बलय कहने का मतलब तना के ऊपर जो छल्ला होता है ना, तना के ऊपर जैसे मतलब गोल जो छल्ला होता है, छल्ला इसके ऊपर जो गोल गोल बनता है हर साल जो बन रहा है हर वर्ष में, वही बलय को हम उसको हम लोग बलय बोलते हैं। जो तना है ना इसमें जो गोल इस तरह से छल्ला बनेगा हर वर्ष ऊपर ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बलय बोलते हैं। छल्ला को क्या बोलते हैं? बलय। उसी को कितना छल्ला बना है ना, जिसको गिन करके हम लोग पेड़ की आयु ज्ञात करते हैं। तो ये जो पेड़ का तना होता है छल्ला, वो किसके ऊपर बना होता है? जाइलम के ऊपर होता है। जाइलम का कैंबियम जो होता है ना उस पे होता है। जाइलम के कैंबियम को गिन करके हम लोग तना का वार्षिक बलय की गिनती करते हैं और उस पर तना की आयु को हम लोग मालूम करते हैं। तो इस तरह से ये चीज भी क्लियर हुआ आपको। आगे अब अगर हम लोग बात करेंगे वार्षिक बलय गिनने के बाद, विशेषता हो गया प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन,
अब हम लोग को एक चीज और जानना होगा इसमें कि कभी कभार ऐसे पूछ दिया जाए ना कि पौधों को सर्वाधिक हानि कब होती है, उसको पत्ती को छील दे गिरा देने से या छाल को छील देने से। तब जैसे बता कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि किसी के धर्म को या किसी की आस्था को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात यही कि जैसे देखते हैं हम लोग हिंदू धर्म में क्या ना कि किसी का देहांत होता है तो क्या होता है ना कि बाल मुड़वा लिया जाता है। सोचो सोचो, सोचने वाली बात है ना, कि बाल मुड़वा लिया जाता है कि शोक व्यक्त करने के लिए, काहे ना कोई छाल मुड़वा अपना छाल छिलवा लेता है, छाल छिलवा काहे नहीं लेता है और शोक व्यक्त करता ज्यादा, तो ऐसा नहीं करता है। बाल छिलेला से कोई हानियों नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों को हानि कब होती है, छाल छिलने से या फिर पत्ता छिलने से, तो पौधों को सबसे ज्यादा हानि होती है छाल के छिलने से। आपसे अगर पूछा जाए कि पौधों की सबसे ज्यादा हानि कब होती है, तो छाल के छिलने से होती है, ठीक है ना, पत्ता के छिलने से नहीं होता है। जैसे देखते हैं किसी किसी से जब कोई मिलने जाता है तो क्या करता है ना, बगीचा में खड़ी रहेगा अपना पेड़वा पर लहतवारा करके ना पेड़ पर इस तरह से कूरे देता है, तब कूरे देता है तो क्या कर रहा है, छिलिए ना रहा है उसके तना को, तो छिल रहा तब पौधों को ज्यादा हानि हो रहा है, तो इस तरह से छिलने से ज्यादा हानि होती है। अब हम लोग ना टाइप्स ऑफ स्टेम पढ़ेंगे, यानी तना के प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? तना के प्रकार पढ़ेंगे, बस दो तीन मिनट और इसमें। तना के प्रकार में अगर हम पहले बात करें तो एरियल रूट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बाइबीय तना, बाइबीय तना। दूसरा जो होता है ना सेमी एरियल, यानी अर्धवायवीय तना। क्या होता है? अर्धवायवीय तना। और तीसरा जो होता है ना वो भूमिगत तना होता है। क्या होता है? भूमिगत तना होता है। अब वायवीय तना का मतलब पूरी तरह से ऊपर, पूरी तरह से क्या होना चाहिए, तना ऊपर, पूरी तरह से जमीन के ऊपर होना चाहिए, तना पूरी तरह से जमीन के ऊपर। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आम में तना ऊपरे होता है, नीम में तना ऊपरे होता है, पीपल में तना ऊपर होता है। दुनिया में 95% लगभग जो पेड़ है ना उस वायवीय होता है तना, उसका वायवीय तना होता है, क्या कि ऊपर ही होके करता है जमीन के ऊपर लगभग। तो 95% पेड़ पौधे ऐसे है ना जिसका तना जो होता है ना वो वायवीय होता है, अर्थात ऊपर में होता है। अर्धवायवीय, अर्धवायवीय कहने का मतलब क्या होता है ना, कुछ ऊपर या कुछ नीचे, कुछ ऊपर, कुछ भाग ऊपर और कुछ भाग नीचे। जैसे आपको एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें, यहाँ एग्जांपल क्या था, आम नीम पीपल, समझ गए होंगे आप ना, कुछ भाग ऊपर कुछ भाग नीचे। जैसे आप लोग बात करें घास का, जलकुंभी का, जलकुंभी भी क्या होता है, कुछ भाग ऊपर कुछ भाग नीचे होता है। चलिए घास के क्या होता है, तना होता है जो कुछ ऊपर और कुछ नीचे होता है। कैसे, जैसे देखते हैं ना कि जैसे मैदान में हम लोग या खेत बाधार में भैंस को चराने के लिए ले गए, तो चराने के लिए ले गए तो क्या करता है ना, वो अपना थुथुमा से इस तरह से जब भैंसा खींचती है तो क्या होता है ना, कुछ भाग खींचाता है, कुछ जमीनवा में सटले रहता है, ठीक है ना। या ना तो जब घसिया गढ़े वाला जाएगी ना, पूरा खुरपावा से एकदम पकड़ के पूरा खरोच देती है, लेकिन नीचे से जमीनिया तक के खोजती है ना, तो इस तरह से जो पड़ा होता है ना घास, इस तरह से ना, इस तरह से पड़ा होता है और उसको पूरा खुरपावा से यहाँ तक के खरोच करके पूरा निकाल लेती है। और जब भैंसा नोचता है तो ऊपर से ये भी ये नोच लेता है, भैंसा नोच लेती है और वो नोच लेती है और फिर छूट जाता है कुछ, तो फिर क्या हो जाता है, वो ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से कुछ जो होता है ना उसका तना अर्धवायवीय होता है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तना में मूलतः, वो वायवीय और अर्धवायवीय से नहीं पूछा जाता है, वो पूछा जाता है भूमिगत तना से, जिसको हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में अगर बोले तो अंडरग्राउंड स्टेम। क्या बोलेंगे ना, अंडरग्राउंड स्टेम बोलेंगे, यानी भूमिगत तना। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भूमिगत तना कहने का मतलब भूमि में होता है, भूमिगत तना कहने का मतलब कहाँ होगा, भूमि में होगा। और वो जो होगा हम लोग देखते हैं कौन कौन होता है। चलिए इस तरह से अगर हम बांट के कर ले यहां से, चलिए देखिए क्या भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम, और ये बात तो सही है कि अगर मन से पढ़ा जाए तभी कुछ होगा, नहीं पढ़ा जाए तो कुछ नहीं होगा। वही खुरपा चलाने वाली आएगी फिर शादी विवाह में, शादी होगा तो ही खुरपा चलाने वाली मिल जाएगी, वो पूरा समझेगी कि घास तना है कि जड़ है, ठीक है ना। फिर अंडरग्राउंड वाला में क्या होता है ना, इसको बांटा गया है, किस किस पार्ट में बांटा गया ना, कंद में, प्रकंद में, ठीक है ना, किसमें, कंद में, प्रकंद में, कंद में, प्रकंद में, घनकंद में,
एक क्या हो गया घनकंद में और एक सर्गकंद में, ये चार टाइप में बटा है भूमिगत तना। और यही आपसे पूछा जाता है कि कौन इनमें से कंद है। तो पुराने जमाने बोला जाता था कि कंद मूल खा करके जिंदा रहता था आदमी, कंद मूल यानी जकरा में खाए वाला ज्यादा मात्रा है। तो कंद में कौन कौन आता है ना, आलू ओल, क्या होता है ना आलू और ओल। ओल के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे, जकरा खाता है तो क्या होता है तीता लगता है, फंसाता है जीभिया को, पूरे दिन के काम करता है, ठीक है ना, लहरता है ना, चुन चुन जिसको बोलते हैं ना कि खजुआता है, ठीक है। तो ये कंद में आलू और ओल हो गया। प्रकंद, प्रकंद कहने का मतलब राइजोम वाला, राइजोम यानी जिसमें गांठ होता है ना उसको बोलेंगे। इसमें ज्यादा क्या होता है ना खाद्य पदार्थ की मात्रा खाते हैं, सीधा सीधा खाए वाला ज्यादा है। ये राइजोम में क्या होता है ना गांठ होता है जिसको हम लोग प्रकंद बोलते हैं। गांठ वाला केकड़ा में होता है मालूम होगा, हल्दी अदरक, गांठ वाला प्रकंद में कच्चे हो गया हल्दी अदरक। ये सल्गकंद जेकरा में जल ज्यादा है तो इसमें कौन कौन आ जाएगा ना आपका लहसुन और प्याज, लहसुन और क्या हो जाएगा प्याज हो जाएगा। घनकंद में फेरा होता है जैसे हम लोग देखेंगे बंडा होता है और केसर होता है, क्या होता है ना बंडा और क्या होता है ना केसर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि निम्न में कौन कंद है तो आप क्या बताओगे आलू ओल। राइजोम गांठ यानी प्रकंद कौन है तो हल्दी अदरक, घन कंद कौन है तो बंडा केसर, साल के कंद कौन है लहसुन और प्याज। एक चीज और पूछा जाता है कि प्याज को जब हम लोग छिलते हैं तो उसमें हम लोग पासू आता है ना और उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा ना सल्फर पाया जाता है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है सल्फर। रेलवे में ये पूछा गया है कि निम्न में से किसमें सल्फर नहीं पाया जाता है, प्याज और कर करके चार एग्जाम्पल थे तो जिसमें सल्फर नहीं पाया जाता था उसको छाड़ दें। तो सल्फर किसमें पाया जाता है प्याज में पाया जाता है। तो इस तरह से आपका तना का वीडियो भी खत्म होता है और आगे हम लोग जो वीडियो में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे पत्ती के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।